हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, कल आपके 3 रिजल्ट देखने को मिले थे, एक एसबीआई पीओ का, एक एलआईसी डबल एओ का और एक आपका मिला था एसबीआई क्लर्क मेंस का। अब बात करें हम एलआईसी सॉरी एसबीआई क्लर्क मेंस के स्कोर कार्ड की, तो देखो गाइस, जब जब आपका एसबीआई का कोई भी रिजल्ट आता है ना, तब तब उसकी जो वेबसाइट होती है वो क्रैश हो जाती है। तो इस बार जो आपका क्या है, देखो 2021 की बात करूँ ना मैं, तो उसमें क्या था कि जो आपका एसबीआई क्लर्क का मेंस का रिजल्ट आया था, उसी के साथ आपका मेन जो स्कोर कार्ड है उसका भी लिंक आपका साथ में ही डाल दिया गया था। बट इस बार क्या है, उन्होंने एक पीडीएफ अपलोड किया जिसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका उन्होंने डाटा दिया गया है। तो इनका जो स्कोर कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो स्कोर कार्ड पॉसिबिलिटी की या तो आज आ जाएगा या कल परसों आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप निश्चित रहिए, अगर किसी और स्टेट से अगर आपने फॉर्म फिलअप किया था तो वहाँ की जो लैंग्वेज है अगर आपको नहीं आती है तो आपको एक छोटा सा एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, तो उसकी आप तैयारी करें जिसका नाम है एलपीटी। तो आप उसकी तैयारी करें अगर आप अदर स्टेट से भरा गया गैस। बाकी जिन बच्चों का नहीं हुआ उनके लिए उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में आपका देखो एक आईबीपीएस आरआरबी के पेपर्स है, एलआईसी असिस्टेंट का पॉसिबल है कि इस साल आ जाएगा, आपका आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम आपको देखने को मिलेगा गैस। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है तो उनको उनको बहुत ही शुभकामनाएं। और अब देखो गाइस, आपके लिए जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए मैं आपको बता दूं, आप क्या करो, बेसिक से अपनी तैयारी को स्टार्ट करो। कहाँ गलतियां हुई थी, किस वजह से आपका प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ, अगर प्री क्वालिफाई हुआ तो मेंस में क्या आपकी गलती थी कि जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखना है गाइस। ठीक है, आने वाले दिनों में आपको वो गलती नहीं करनी है गाइस। ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम हो इंस्टा पर मैसेज कर देना, कमेंट बॉक्स कर देना, और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो जरूर जरूर बताएं कि मेरा सिलेक्शन हुआ गाइस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।